मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष अभिनंदन देती हूँ आभार व्यक्त करती हूँ और रक्षाबंधन की सभी बहनों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ लेकिन साथ ही ये गौरतलब है कि लगभग नौ करोड़ साठ लाख गरीब बहनें उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सेवा पाती हैं और उज्ज्वला योजना में वर्तमान में दो सौ का रिफिल प्रति सिलेंडर लगभग 12 सिलेंडर्स के लिए दिया जाता है तो दो सौ रूपये और घटा तो उज्ज्वला योजना से संबद्ध जो गरीब बहन है उनको तो चार सौ का फायदा हुआ है बड़ी राहत है मैम राखी के मौके पर आपने भी जैसे बताया कि महिलाओं के लिए राखी पर बहनें ये अपेक्षा करती हैं कि भाई कोई ना कोई शगुन देगा तो ये हमारे लिए शगुन से कम नहीं है इस महत्वपूर्ण अवसर पे जिसमें देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बहनों के लिए अपने माताओं के लिए सौगात दिया है उपहार दिया है घरेलू एलपीजी दर को घट दो सौ रुपया आज घटाया गया उसके साथ साथ पचहत्तर लाख नया मुफ्त एलपीजी कनेक्शन गरीब बहनों को माताओं को देने का निर्णय भी किया गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में अब तक नौ करोड़ साठ लाख कंज्यूमर बन चुके हैं उसके एडिशनल और पचहत्तर लाख बन जाएंगे इसको मिला के देश में उज्ज्वला के लाभार्थी दस करोड़ पैंतीस लाख हो जाएंगे मित्रों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में दायित्व लिए सेवा सेवा के काम शुरू किए तब देश में आजादी के उपरांत 2014 तक सिर्फ चौदह करोड़ एक्टिव कंज्यूमर होते थे जो आज बढ़ के तैतीस करोड़ एक्टिव कंज्यूमर हो गए यह दर्शाती है प्रधानमंत्री जी की माताओं के प्रति बहनों के प्रति विशेष करके वंचित वर्गों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता डब्ल्यू एच ओ की स्टैटिस्टिक्स को जाए तो हर एक साल दुनिया में पंद्रह लाख बहनों की माताओं की जान चली जाती थी उसमें भारत में ही केवल पांच लाख उसमें आज कटौती आई है उसमें आज घटी आज है क्यों स्वच्छ ईंधन आज उपलब्ध करवाया गया सरकारी जिम्मेवारी में उसमें आज जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राइस बढ़ी थी उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 200 सौ दो, दो रुपया पर सिलेंडर ग्राहकों को रियायत दी है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पहले से ही 200 रुपया सब्सिडी दिया जाता था तो ये तीन निर्णय को मैं अगर जोड़ के देखता हूं आज प्रधानमंत्री जी ने अपने बहनों को अपने प्रतिबद्धता अपने स्नेह अपने जिम्मेदारी, भारत की मातृशक्ति के लिए भारत की उनकी बहनों के लिए उन्होंने लिया भाई नरेंद्र मोदी को निश्चित रूप में बहनों ने और आशीर्वाद करेंगे द होल नेशन नॉट ओनली the prime minister's um, uh, team in the cabinet, but the whole country is extending a very warm welcome to this decision. In the case, we have now, uh, we started with uh, 14 crore cylinder um, gas connections in 2014. this is now 33 crores. all 33 crore people who use gas cylinders and some families use four, some families use five, they will get a 200 rupee reduction in price so the price of a cylinder effectively comes down from 1100 rupees to 900 rupees in addition to that there are those who are beneficiaries of the ujwala scheme these are largely people who would be categorized as belonging to the economically weaker section or those who are categorized as below poverty line they used to get and they will continue to get 200 rupees directly credited to their accounts so in other words a normal cylinder cost for a person who has a connection comes down from 1100 to 900. And the Ujwala beneficiary was getting 200 rupees uh, DBT credit. He was getting at 900. The cost for him will come down to 700. So, is it not political motivation? No, not political. It is motivated out of a genuine sense of feeling for your citizens. And it is a brother's um, gift to his sisters. I mean, I'm not suggesting that males don't benefit from it, but mostly it is our sisters who go into the uh, into the kitchen uh, to do the cooking. So, one, it's a clean medium compared to coal and uh, wet wood, etc. But more than that, I think it provides a kind of relief on the uh, uh, happy and joyous occasions of Onam and Raksha Bandhan. Okay, Kalpuradesh, Raksha Bandhan रक्षा सूत्र बांधने का त्यौहार भाई के द्वारा बहन को सुरक्षा देने का त्यौहार मनाने वाला है और ऐसे शुभ दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की करोड़ों बहनों को अपनी तरफ से एक उपहार के रूप में गैस सिलेंडर की प्राइस जो बहनों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय है उसमें दो सौ की राहत देने की घोषणा की है पहले भी जो साढ़े ग्यारह सौ रुपये का सिलेंडर है उज्ज्वला का कनेक्शन जिन बहनों के घर पे है उनको दो सौ रुपये सब्सिडी पहले भी मिलती है अब उनको चार सौ रुपये सब्सिडी मिलेगी तो उनको सिलेंडर जो है साढ़े सात सौ रुपये में मिलेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि इस राहत के साथ में निश्चित ही देश भर की ऐसी महिलाओं को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है